हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम क्लास 10th इंग्लिश के कंप्लीट पेपर को हल करने वाले हैं। इस पेपर को हल करने के बाद में आपको मालूम हो जाएगा कि एग्ज़ाम में पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पेपर को कैसे हल करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है। ये सभी चीज़ें आज के सेशन में आपको क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ में जो क्वेश्चन आपको आज इस क्लास में मिलेंगे वो सभी आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट क्लास। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने इंग्लिश के दो मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं। अगर आप उनको भी वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कॉर्नर पे आप जाएंगे, 3 डॉट का सिंबल मिलेगा, उस पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पिछली क्लासेस को भी आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल पेपर। जो ये पेपर आज का है इंग्लिश का है, इसमें आपको जो है 70 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे देखें, स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन है, यानी जो है आपको निर्देश दिए गए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली ये पेपर आपका है दो पार्ट में, एक है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। इस बात को आप समझिएगा, एक है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी जिनके आंसर्स आपको ओएमआर शीट में आपको फिल करने होंगे। एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा। पार्ट बी में आपको जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स आपको कॉपी में लिखने होंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। चलिए अब ये पेपर हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए को ज़रा देखिएगा। पार्ट ए में देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक पैसेज है। इस पूरे पैसेज को आप अच्छे से रीड कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आगे के क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पैसेज पढ़ लीजिए आप। वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। द जनरल रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट इज शोन इन द प्रोवर्बियल फ्रेज, इट इज अ बिजनेस मैन हु हैज टाइम टू स्पेयर, दस An elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece. An hour will be spent in finding the postcard, another hunting for spectacles, half an hour to search for the address, an hour, a quarter in composition, and 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to a pillar box in the next street. The total effort that would occupy a busy man for 3 minutes, all told, may in this fashion leave another person completely exhausted after a day of doubt, anxiety and toil. इस पैसेज को हमने रीड कर ली। अब देखें क्वेश्चन, आप देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा व्यक्ति है जो काम करने के लिए ज्यादा समय लेता है। अ बिजी मैन, मैन ऑफ लेजर, एन एल्डरली पर्सन, एन एग्जॉस्टेड पर्सन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, सेकंड ऑप्शन, यानी अ मैन ऑफ लेजर, एक ऐसा आदमी जिसके पास फुर्सत है, टाइम है, उसके लिए क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, यानी पिलर बॉक्स का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। अ बॉक्स अटैच टू द पिलर, अ बॉक्स इन द पिलर, बॉक्स ऑफिस, अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके सामने, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड आइडल। यहाँ भी पूछा गया कि पैसेज में एक वर्ड आया आइडल, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। तो आइडल का मतलब बेकार, यानी कोई काम ना करने वाला, तो उसको कहते हैं आइडल। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, एल्डरली होगा, लेबोरियस होगा, या फिर नॉटी होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बिजी। बिजी का मतलब जो आदमी काम में व्यस्त हो। लेबोरियस की मीनिंग क्या होती है, परिश्रमी, मेहनती, याद रखेंगे। नॉटी की मीनिंग क्या होती है, शरारती, याद रखें। लेबोरियस क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग, नोट कर लीजिएगा। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। चलिए अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या दिया है। देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो दिए गए, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 के जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनके आपको आंसर फिल करने, वी मस्ट हेल्प पुअर, पहला ऑप्शन है ए, दूसरे में है द, थर्ड में एन, और फोर्थ ऑप्शन में नन ऑफ द अबव। तो ये मुझे बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रामर का क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं
पहले इसका आपको आंसर बता देता हूँ, यानी हमारा सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी पोर के पहले हम दाव फिल करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर एक कॉन्सेप्ट होता है दा प्लस एडजेक्टिव, दा प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, दा प्लस एडजेक्टिव जो हो जाता है ये एक तरह से प्लूरल नाउन की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है प्लूरल नाउन? जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है दा पुअर, तो दा पुअर की मीनिंग होती है पुअर पीपल, यानी गरीब लोग। कहीं पे लिखा हुआ दा रिच, तो दा रिच की मीनिंग क्या होती है? अमीर लोग। क्लियर है सभी को? तो यानी यहाँ पे हम एडजेक्टिव के पहले जो आर्टिकल दा यूज कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वैसे प्लूरल नाउन। इसलिए यहाँ पे हम ना तो ए फिल करेंगे ना ही एन, क्योंकि आर्टिकल का जो यूज होता है वो हम बेसिकली नाउन के पहले करते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दा यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। क्लियर होगी बात सभी को? जैसे द पुअर की मीनिंग क्या हो जाएगी? गरीब लोग। द रिच की मीनिंग क्या हो जाएगी? अमीर लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू पास। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आपके सामने है वुड, सेकंड में है विल, थर्ड में है कुड और फोर्थ में है माइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन यानी विल। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इंग्लिश ग्रामर का एक कॉमन सा स्ट्रक्चर है, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। यानी अगर हम इफ के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं और उसके बाद में कॉमा आता है, तो अगला जो क्लॉज होगा उसमें जो सेंटेंस होगा वो हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप नोट कर लीजिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर सभी को? यानी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कॉमा के बाद में क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस वी वन। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया, लेकिन सेंटेंस की जो वर्ड्स हैं उन्हें इरेगुलर फॉर्म में दिया गया है, यानी जो पहले आना चाहिए था वो बाद में है, बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। इनको यूज करके एक आपको मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करना है और ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप मुझे बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, तो नोट कर लीजिएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन यानी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए सबसे पहले कोई सेंटेंस आए तो उसमें कोशिश कीजिए सब्जेक्ट को पुट कीजिए, उसके बाद में वर्ब क्या है और वर्ब के बाद में अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और दूसरे वर्ड्स भी हो सकता है, यानी ठीक है ऑब्जेक्ट को आप तलाश कीजिए। क्लियर है? अब इस फॉर्मेट को आप फॉलो करते हैं तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या, द रोड ऑफ ओबे वी रूट, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बन सकता है? वी, तो वी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं वर्ब लगाना है, तो वर्ब मेन वर्ब लगाया ओबे। अब यहाँ पे मस्ट जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो ओबे के पहले यूज करेंगे, यानी एक तरह से हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है। द रूल्स ऑफ द रोड ये एक तरह से हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, तो इसको हम वर्ब के बाद में पुट करेंगे। तो इस तरह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, ही बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस। आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटिफुल, आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटिफुल। आपसे पूछा गया कि वर्ड ब्यूटिफुल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, क्या ये वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या फिर एडजेक्टिव है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी ये क्या है? एडजेक्टिव। इसको हम दो तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे जनरली वे वर्ड्स जिनके एंड में एफ यू एल आता है, समझ लीजिएगा एफ यू एल, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, समझ लीजिए। कुछ एक्सेप्शनल वर्ड उनको छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो ब्यूटीफुल क्या होगा? एडजेक्टिव। दूसरा आप देखें सेंटेंस में जो फॉर्मेशन क्या है, अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो मैंने पिछली क्लासेस बताया है अगर आर्टिकल के बाद में दो वर्ड्स आते हैं, आर्टिकल के बाद में दो वर्ड्स है तो फर्स्ट आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा और सेकंड क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आर्टिकल के बाद में सिंगल वर्ड है तो वो नाउन होगा, अगर आर्टिकल के बाद में दो वर्ड्स आ रहे हैं तो फर्स्ट आपका एडजेक्टिव होगा और सेकंड क्या होगा? आपका नाउन होगा। अगर आर्टिकल के बाद में थ्री वर्ड्स हैं तो फर्स्ट आपका जो होगा एडवर्ब होगा,
सेकंड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और थर्ड आपका क्या होगा, नाउन होगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, असिस्टेंट, ऑनेस्ट, कंट्री, हंग्री। तो करेक्ट हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी असिस्टेंट। असिस्टेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे जो ई है इसको अगर हम ए कर देते हैं तो इसकी स्पेलिंग भी क्या हो जाएगी, करेक्ट। मिस स्पेल्ड का मतलब यानी जिसकी स्पेलिंग क्या है, गलत दी गई है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपके सामने एक पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। ऑन अ पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "Got off the money that asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much." इस पैसेज की अकॉर्डिंग आपको जवाब देने। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। कौन गया उसे खोलने के लिए जब जो है लिंचो ने मेल बॉक्स में लेटर जो है डाला था, प्रवेश किया था। ठीक है, कौन गया? तो सीधा सीधा देखिए कौन गया था, द पोस्ट मास्टर। कौन गया था? द पोस्ट मास्टर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लिंचो गेट। लिंचो को कितने पैसे प्राप्त हुए थे, लिंचो को कितने पैसे मिले थे, 40, 50, 70, 80। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन यानी 70 पेसोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर वॉज लिंचोज हाउस सिचुएटेड। लिंचो का घर कहाँ स्थित था, एट द बॉटम ऑफ द हिल, एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, एट द टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, इन अ सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, नोट कर लीजिएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यानी एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी के ऊपर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, यानी गौतम बुद्ध का शुरुआती नाम क्या था, उनका जो है इनिशियल नाम क्या था, शुरुआत में नाम क्या था। पहला ऑप्शन है सिद्धा, दूसरा है साधु, दूसरा है तीसरा है सिद्धार्थ और फोर्थ है सिद्धार्थ। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी। ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आगे देखिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक पोएम की कुछ लाइनें आपको दी गई हैं, इन्हीं की अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ ए स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, क्रो, स्पैरो, पैरट, पिजन। तो जवाब दीजिएगा, ट्री पर कौन बैठा हुआ था, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था। तो हमारा जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी क्रो। There was a poet standing. Poet कहाँ खड़ा हुआ था? Under a neem tree, under a hemlock tree, under a peepal tree, none of the above. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, दो नोट कर लीजिएगा, सेकेंड ऑप्शन यानी under a hemlock tree. चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन लेके, चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What was भोली's real name? प्रिया, गीता, सुलेखा, सीता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यानी सुलेखा, नोट कर लीजिए। हु वाज ट्रिकी, अ कैट, अ मंकी, अ डॉग, अ रैबिट। तो ट्रिकी कौन था, तो वो क्या है, अ डॉग, एक कुत्ता। आगे देखिए, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, वर्क, मनी, होम, इटेबल्स। यानी हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी वर्क क्या चाहता था, काम चाहता था। आगे देखिएगा, A bright was born in Liverpool, London, Reading, Oxford. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। A bright का जन्म कहाँ हुआ था? Matilda's husband was a minister, a businessman, an officer, a petty clerk.
ठीक है, मटिल्डा के हस्बैंड कौन थे, क्या थे वो, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी अपेटी क्लर्क, एक छोटे क्या थे, क्लर्क थे। चलिए, तो ये हो गए आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आगे आपके पास में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर कैसे आपको कॉपी में लिखना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इस पूरे सेशन को आप वॉच करेंगे। चलिए आगे देखिए, आपके सामने अगेन एक पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज। व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स वुड से दैट दे वांट देयर डॉटर्स टू बी एजुकेटेड, दे स्टे एट होम बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन ऑन ऑफर इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स और बिकॉज दे फील द रिस्क्स आर टू ग्रेट। Those risks are real. Girls are sexually harassed sometimes by their fellow students or by strangers as they walk down to a school. These pressures are central to low enrollment and retention of girls. Poverty also plays its part. If their clothes are torn, girls from poor families will stay at home. In such cases, they are forced by the demands of modesty and propriety. देखिए, ये एक पैसेज है, आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनके जवाब आपको लिखने होंगे। व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। यानी जो है पॉवर्टी, जो है गरीबी, बच्चियों के, गर्ल्स के एजुकेशन में, उनके शिक्षा में कैसा रोल प्ले करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु आर द पर्सन हु कॉज हरासमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल्स, यानी वे कौन लोग हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चियों को हरास करते हैं, परेशान करते हैं सेक्सुअली। व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण है, व्हाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड, कि पेरेंट्स, माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, ठीक है, अगरचे वे उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, वे उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस, पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है कीप इन प्लेस, यानी अपनी जगह पे रखना, ठहरना, इस तरह से मीनिंग, ठीक है। तो ये देखिए फोर क्वेश्चंस है, अब इनके आंसर्स कैसे आपको कॉपी में लिखने होंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये पार्ट बी आपका स्टार्ट हो चुका है। देखिए, तो इनके आंसर्स आपको कैसे करने होंगे उन्हें समझ लीजिएगा। आप हेडिंग क्या लगाएंगे, पार्ट बी कॉपी में लिखना होगा, अभी तक आपको एमआर शीट में फिल करने थे। आंसर 21, क्वेश्चन क्या था, 21 लिख देंगे आप। पहले पूछा गया था कि पॉवर्टी जो है बच्चों के एजुकेशन में कैसा रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे देखेंगे पॉवर्टी प्लेज वर्स्ट एंड ड्रास्टिक रोल इन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, यानी गरीबी जो है बहुत ही खराब और दयनीय रोल प्ले करती है बच्चों के एजुकेशन में, यानी गरीबी एक कारण है जिसकी वजह से बच्चियां तालीम, एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरेंट क्या फील करते हैं, ठीक है, कि अपने बच्चियों को एजुकेशन नहीं दिला पा रहे हैं, तो पेरेंट्स फील और बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट, यानी इस जो अभी का एजुकेशन है वो उनके लिए अच्छा नहीं है। एंड दे ऑल्सो फील रिस्क, और भी क्या है, खतरा महसूस करते हैं टू सेंड देयर डॉटर्स, अपने बच्चियों को स्कूल भेजने में। अगले क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा, गर्ल्स आर हरास्ड समटाइम्स बाय द फेलो स्टूडेंट्स, लड़कियों को हरास किया था कभी कभार उनके अपने साथियों के द्वारा या अजनबियों के द्वारा जब वो स्कूल जाती है। पूछा गया था स्टे, ठीक है, स्टे मीन्स कीप इन प्लेस, कीप इन प्लेस के लिए कौन सा वर्ड हो, एक वर्ड हो जाएगा, तो वो है स्टे। स्टे का मतलब क्या होता है, कीप इन प्लेस, स्टे की वैसे मीनिंग क्या होता है, ठहरना, स्टे की मीनिंग क्या होती है, ठहरना, क्लियर है। तो 21 जो क्वेश्चन था ये अब आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 22 में देखिए पूछा गया है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, या फिर एक लेटर आपको लिखना है, ठीक है, या फिर एक एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अगेंस्ट इनसफिशियंट सप्लाई, ठीक है, अपर्याप्त सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल, यानी आपके स्कूल में पीने का जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इस संबंध में प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए। दोनों में से किसी एक को लिखना है, कैसे लिखेंगे जरा हम समझ लेते हैं, ठीक है जी। देखिए कैसे लिखना होगा इसे हम समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए इसका जवाब जो है आप कैसे लिखेंगे।
आप हेडिंग लगा देंगे आंसर 22। अब देखिए एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है, टू द प्रिंसिपल लखनऊ। प्रिंसिपल का जो एड्रेस होगा आप एक एड्रेस डाल देंगे, ठीक है, लखनऊ। अब अपने स्कूल का डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट यानी क्या है, किस संबंध में लिखना है एप्लीकेशन। इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर यानी पानी की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पा रही। डियर सर, दिस इज टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट स्कूल इज फेसिंग एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, देर आर ओनली टू वाटर कूलर्स ड्यूरिंग द इंटरवल। स्टूडेंट कैन बी सीन पुशिंग एंड एल्बोइंग ईच अदर टू रीच नियर द कूलर टू ड्रिंक वाटर, रिजल्टिंग इन स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लासेस गोइंग बैक टू देयर क्लासेस विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। द टैप वाटर सप्लाई टू अस इज नॉट क्लीन, देर आर नो फिल्टर्स और टैप, वी आर फोर्स टू ड्रिंक डर्टी वाटर्स डायरेक्टली फ्रॉम द टैप्स, मेकिंग द टैप्स अनफिट फॉर अदर्स। I request you to make arrangement for pure and clean drinking water. Please install more water coolers. Heads of different houses can stand near the taps during the interval so that all students come in a queue to drink water. I hope you will do the needful. Thank you. Yours faithfully. यहाँ पे आप अपना नाम mention करेंगे। तो इस तरह से 22 जो question होगा उसका आप answer copy में लिखेंगे। चलिए अब अगले question देखिए, उसका आंसर कैसे आपको करना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है 23 में। देखिए आपको एक ऐसे लिखना होगा, तो ऐसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी नॉलेज कैसी है, आपके राइटिंग प्रैक्टिस कैसी है। तो ये आपके ऊपर जितनी भी नॉलेज, जो भी टॉपिक आपको मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग, जो आपके पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको वो लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब 24 देखें। 24 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपके ग्रामर का, ग्रामर के पोर्शन का क्वेश्चन है। 24 में देखिए पहले आपसे कहा गया है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी फर्स्ट सेंटेंस इसमें इसको है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, और दूसरे में कहा गया चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पंक्चुएट द फॉलोइंग, इनको पंक्चुएट करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी इस पैसेज को इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। चलिए जरा इसको हम करके देखते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग करेंगे इसको हम जरा समझते हैं। देखिए अब हम लोग आ गए 24। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ये डायरेक्ट स्पीच में, इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे होंगे जो यहां पे आपके सामने सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क मी में। अब क्योंकि यहाँ पे वेयर है एक क्वेश्चन वर्ड है, तो ये क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कंजंक्शन का वर्क करेगा। ठीक है, बीच में यहाँ पे हम दैट इफ वगैरह कोई यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सीधे से वेयर यूज करेंगे। अब इसके बाद की जो फॉर्मेशन आर यू गोइंग, इसे आपको एसर्टिव फॉर्म में चेंज कर देना। एसर्टिव फॉर्म का मतलब होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब, यानी हम यू को पहले पुट करेंगे और आर को बाद में। अब चूंकि यू जो आपका प्रोनाउन है, इसे आपको चेंज करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, सेकंड पर्सन है आपका प्रोनाउन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, और आपका जो टेंस यहाँ पे प्रेजेंट में है वो किस में हो जाएगा, पास्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में है, पास्ट में। तो टेंस में भी स्वाभाविक सी बात है चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर आई वॉज गोइंग। बहुत बेसिक सी चीजें आप सबने पढ़ा ही होगा कि प्रोनाउन जो होते हैं वो आपके फर्स्ट पर्सन उसमें होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, वो बहुत बेसिक है, आप उसको समझ लीजिए। आगे देखिए, he always helps me activize, इसका passive voice कैसे बनाना होगा, he always helps me। तो यहाँ पे जो object होगा उसे हम subject के place पे put करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे me है, तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे, subject के place पे। me objective case होता है और उसका subjective case क्या होता है, I, तो इसलिए यहाँ पे हम I का use करेंगे। I am always helped by him, तो ये इसका क्या हो जाएगा, passive voice हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो एक सेंटेंस आपको दिया गया था, कहा गया था उसको पंक्चुएट कीजिए, यानी उसमें जो है पंक्चुएशन मार्क कीजिए। द टीचर सेड टू मी, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पे फुल स्टॉप, देन इन्वर्टेड कॉमा। आपके सामने पैसेज आपको दिया गया था और कहा गया था उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, भारत जो है तेजी के साथ में प्रगति कर रहा है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, वो हमने ट्रांसलेट कर दिया। इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, भारत जो है एक विकासशील देश है, भारत यानी जो है अभी विकास कर रहा है, विकास के क्रम में है। The population and the rising price are big problems, यानी भारत की जो समस्याएं हैं,
जनसंख्या और बढ़ती हुई कीमतें ये बड़ी समस्याएं हैं। इफ वी कंट्रोल देम, अगर उन्हें हम कंट्रोल कर लेते हैं, उनको काबू में लाते हैं, देन आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट, हमारा देश जो है महान बन सकता है। क्लियर? तो ये पैसेज आपको इस तरह से ट्रांसलेट करना होगा एग्जाम में। अब आपके पास में अगला क्वेश्चन जो है उसे भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये पैसेज था, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, ये एक प्रगतिशील देश है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें यानी कंट्रोल कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 25 में क्या पूछा जा रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। ठीक है, दो पार्ट यहाँ पे, एक ए है और बी है, दोनों में आपको और करके, और का मतलब क्या होता है, यानी आप या तो इसे इसका जवाब दीजिए या फिर इसका जवाब दीजिए, चाहे तो आप जो है इसका जवाब दीजिए या फिर इसका जवाब दीजिए, ऐसे बी में चाहे इसका जवाब दीजिए या इसका जवाब, दोनों में से किसी एक का आपको जवाब लिखना होगा एग्जाम में। तो 25 का आंसर कैसे करेंगे जरा हम समझते हैं। ठीक है जी, 25 का आंसर कैसे करना होगा इसे आप समझ लीजिए। देखिए 25 में देखिए, लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। लेंचो वाज सिंगल माइंडेड एंड हिज इमेंस फेथ इन गॉड मेड हिम थिंक दैट गॉड वुड गिव हिम 100 पेसोस ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम। ऑन सीइंग दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पेसोस ही थॉट दैट द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ मनी। दिस मेड लेंचो एंग्री। यहाँ पे ई का यूज कीजिए, मेड की स्पेलिंग में ई आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला बी का जवाब कैसे आपको करना होगा। एनी ब्लीज दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है, बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली एंड साइलेंटली, इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल एंड ऑल्सो बिकॉज शी हैज कन्फाइड इन हर डायरी ऑल हर सीक्रेट्स। तो 25 जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर कैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपके सामने है। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी दो क्वेश्चन दिए गए, इनमें से किसी एक का आपको आंसर करना होगा। डू यू थिंक वैली एंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड, गिव एग्जांपल फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, व्हाई व्हाट डिड शी लर्न इन द एंड। ठीक है, किसा गौतमी जो है क्यों बहुत दुख में थी और उसने एंड में क्या सीखा। इनमें दो क्वेश्चन एक का आंसर आपको करना होगा। देखिए आंसर कैसे करेंगे उसे आप नोट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि एग्जाम में ऐसे ही आप सबको आंसर करना है। किसा गौतमी ओनली सन हैड डाइड, शी वाज ग्रीव स्ट्राइक इन कैरिंग द डेड सन, शी वेंट टू ऑल हर नेबर्स टू गेट सम मेडिसिन दैट वुड क्योर हर हर सन। अमन सेंट हर टू द बुद्धा हु आस्क्ड हर टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, but she couldn't find such a house and was thus sad. She learned that this is a part of life and anyone who is born is bound to die one day. Buddha told her that only the wise do not grieve and they accept the reality. This gave her strength to overcome grief. चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 27 देखिए क्वेश्चन क्या है से आप रीड कर लीजिए। 27 जो क्वेश्चन देखिए आपके सर, what does the poet hold with those who favor fire? एक ये है। दूसरा कहा जा रहा है कि write 4 lines of any poem prescribed in your syllabus। यानी आपके poem में, आपके syllabus में, पाठ्यक्रम में जो poem उसकी 4 लाइनें रहती हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा अपनी poem की 4 लाइनें आप जरूर याद कर लें, 2 poem की याद करें। उसका रीजन क्या है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जो poem याद करें वो आपके पेपर में भी दे दी गई हो, तो जो पेपर में लाइनें दी गई होंगी वो लाइनें poem की आपको कॉपी में नहीं लिखनी है, वो लाइनें लिखनी है जो पेपर में नहीं दी गई, क्योंकि कहा गया डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर में दी गई लाइनों को कॉपी मत कीजिए। चलिए 27 ये आपका हो गया। ऐसे ही 28 देखिए है, 28 में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, 29 है और 30 है। एक एक करके हम लोग सभी के आंसर यहाँ पे देंगे। चलिए 27 के देखिए आंसर कैसे करेंगे समझ लीजिए। 27. The poet favors fire because he doesn't want hatred towards any other human being and desire is much better than hatred. That's why poet favors fire rather than ice. 27 का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। 28 में आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए कहा गया।
तो देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, आप दो पोएम का कम से कम सेंट्रल आइडिया अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। वो एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे क्वेश्चन दो पोएम का, ये आपको बहुत अच्छे नंबर स्कोर करा देंगे। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शन विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ पर्सन द वे अ क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो द पोएट इंस्पायर एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स बिकम चेयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल। 28 आपका कंप्लीट हो गया। आप देखें 29 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कैसे करेंगे। 29 में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो देखिए क्या है। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। दो क्वेश्चन आपके पास में है, इनमें से किसी एक का आपको आंसर 30-40 वर्ड्स में करना है। वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ टर्की, व्हाट वर द रीजंस फॉर मटिल्डास अनहैप्पीनेस। पहले क्वेश्चन का मतलब ये है कि हुआज रिस्पॉन्स, कौन जिम्मेदार था, कौन जिम्मेदार था फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ टर्की, टर्की की दयनीय स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था, एंड और क्या कारण थे मटिल्डास के ना खुश होने के। क्वेश्चन नंबर 30 में रीड कर लीजिए, इसका भी साथ में जवाब नोट कर लीजिए। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी एक का भी जो है जवाब आपको 60 वर्ड्स में देना कि वह कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा के बारे में आप डिस्क्राइब, उसका कैरेक्टर कैसा है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, यानी भोली के टीचर का रोल जो है उसके जीवन में कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कीजिए, वर्णन कीजिए। चलिए 29 और 30 का आंसर कैसे करना होगा इसे आप नोट भी कर लीजिए, समझ लीजिए। देखिए 29 का आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर मिसेस पम्फ्रे ट्रिकीज ऑनर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज कंडीशन, शी वॉज अ रिच लेडी एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग एक्सपेंसिव फूड आइटम फॉर ट्रिकी, शी हैड मेड हिम ईट सो मच दैट ही fell ill। आगे देखें 30, it is true to say that a teacher is a maker of student's personality, it is true about the case of Bholi, from the very beginning the teacher encourages Bholi, she shows love to her, she creates firm faith, determination and devotion in Bholi, she gave her all love and affection, She filled her heart with a new hope. The teacher changed Bholi into a masterpiece of courage and confidence. We see this when Bholi refuses to marry a mean and greedy person like Bishambhar. Clear हो गया? तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने एक कंप्लीट इंग्लिश का पेपर हल कर लिया है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हमने इंग्लिश ग्रामर के आपके यहाँ पे क्लियर किए हैं। तो इस सेशन को अगर आप दूसरे स्टूडेंट के साथ में शेयर करेंगे तो वो भी आपकी तरह से इससे फायदा उठाएंगे और आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर करने वाले हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा इस सेशन को, इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि आपकी तरह से दूसरे स्टूडेंट्स भी फायदा उठा सकें, वो भी इसे लाभ हासिल करें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।